समाजवादी श्रवण योजना के तहत प्रदेश सरकार ने निःशुल्क बुजुर्गों को धामों की यात्रा कराने का बीड़ा उठाया था और इसी क्रम में एक और यात्रा द्वारका के लिए निकल गई है। इस योजना के लिए ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री यानी वरिष्ठ नागरिकों को सरकार की तरफ से खाने पीने का सारा सामान भी दिया गया है। 18 डिब्बों की इस ट्रेन में 15 डिब्बे स्लीपर के, 2 SLR कोच और 1 पैंट्री कार लगा है। ट्रेन के साथ धर्माद विभाग और IRCTC के अफसर भी यात्रा में। ट्रेन में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार भी अपने डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों की टीम को तैनात किया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और उन यात्रियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है जो सपना देखते थे द्वारिका द्वीज का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना के कारण वो लोग, उनका जो सपना था वो सपना आज पूरा हो रहा है। उन सारे तीर्थयात्रियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामना, मंगल कामना, उनकी यात्रा सफल हो, सुखमय हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश हर क्षेत्र में सबकी जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहा है, सबकी आवश्यकताओं को, चाहे नौजवान हो, किसान हो, वृद्ध हो, मजदूर हो, सबकी आवश्यकताओं को, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला काम यह सरकार कर रही है। 1000 यात्री जो है वो अभी गए हैं और ये द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर को पूरा इनको दर्शन करा के ये करके आएंगे। प्रदेश सरकार की इस योजना में अब ये लगभग हर महीने हम लोग ये ट्रेन चला रहे हैं जिसमें लगभग 1000 यात्री जो है वो विभिन्न तीर्थ स्थलों की दर्शन करके यात्रा करके आते हैं। इनको घर से आने तक और यहाँ से ट्रेन में जाने तक और दर्शन कराने की सब व्यवस्थाओं और रुकने की व्यवस्था, खाना खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सारी सरकार द्वारा की जाती है।